एवरीवन, यू आर वॉचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस एंड आई एम ललिता धाकर। आज हम आर्टिकल के बारे में समझेंगे। आर्टिकल एक ऐसा भाग है अंग्रेजी का जो स्कूल में, कॉलेज में और कंपटीशन एग्ज़ाम में, मतलब अंग्रेजी का कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो उसमें आर्टिकल पूछा ही जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, और स्पोकन में भी बिना इसके आप अच्छी स्पोकन नहीं बोल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आज हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ये नाउन जो होते हैं उनके आगे लगाए जाते हैं और केवल सिंगुलर नाउन के आगे लगते हैं, एक वचन। बहुवचन के आगे ए और एन का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है, द का यूज़ किया जा सकता है। तो आइए आज इन दोनों को समझते हैं, ए कब लगाएंगे और एन कब लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, कि हम कब ए का यूज़ करेंगे। अब अभी मैं इसको ए पढ़ रही हूँ, लेकिन जब हम यहाँ सेंटेंस में लगाएंगे किसी भी नाउन के आगे, तो अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, अ, अ, ठीक है। अब देखिए ए का जो यूज़ है वो कब किया जाता है। इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं ए से लगाकर जेड तक। तो 26 लेटर्स में से जो 21 लेटर्स है, ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन। तो जब अगर व्यंजन आता है, कॉन्सोनेंट आता है, ये जो पहला वाला शब्द, तो हम ए का यूज़ करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट की जगह ये ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर जो होते हैं, वोवेल्स जो होते हैं इंग्लिश के, अगर वो आ जाएँ तो हम ए की जगह एन का यूज़ करेंगे। अब अगर इतना ही समझ लें तो छोटी क्लासेस में जब छोटे छोटे एग्जांपल्स आते हैं, नॉर्मल एग्जांपल्स आते हैं, तो सारे बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जब थोड़ी बड़ी क्लास होती है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जो ईजी हों, वहाँ थोड़े टफ़ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ध्वनि के हिसाब से आर्टिकल लगाए जाते हैं, तो वहाँ बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आप अब एक बात और मेरी सुने, इंग्लिश में तो आपने देख लिया कि 21 लेटर्स जो होते हैं कॉन्सोनेंट व्यंजन और 5 लेटर्स जो होते हैं स्वर, उनका आपको समझ में आ गया कि अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम ए का यूज़ करेंगे और वोवेल होगा तो हम ए एन एन का यूज़ करेंगे। लेकिन इंग्लिश में यहाँ आपको थोड़ा हिंदी के भी लेटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कि जब हिंदी के जो हम अ से ज्ञ तक की हिंदी में वर्णमाला सीखते हैं, तो अगर क से ज्ञ तक अगर आए तो हम ए लगाएंगे, और अ से अह तक अगर आते हैं स्वर तो हम एन का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको ऐसे, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको भी कुछ ये वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं उनके हिसाब से समझाती हूँ। अब सबसे पहले सेंटेंस पूरा आपके सामने आता है एग्ज़ाम में, और ऐसे ब्लैंक लाइन रहती है और उसके बाद कुछ शब्द लिखा रहता है, तो हमें इसके आगे वाले शब्द से कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। आपका पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो इस पूरे शब्द पे भी नहीं रहना चाहिए, केवल और केवल फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या साउंड निकाल रहा है। क्या कह रही हूँ मैं, साउंड। लिखा हुआ क्या, इससे कोई मतलब नहीं है, आवाज़ किसकी आ रही है वो आपको देखना है। अगर आप लिखे हुए पे जाओगे तो गलत हो जाएगा, नॉर्मल में तो आप सही कर दोगे, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बड़े एग्ज़ाम्स में तो वहाँ परेशानी आती है। यहाँ भी फर्स्ट लेटर, ठीक है, क्या आवाज़ निकाल रहा है। तो अब हम देखते हैं, ये वाला शब्द भी यू है, और देखिए ये वाला शब्द भी यू है, एक साथ सीखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, डिफरेंस जो होगा वो आपको पता चलेगा। इसको अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ मैं पढ़ूँगी यूनिवर्सिटी, यू, आवाज़ किसकी निकल रही है, य की, यूनिवर्सिटी। और अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये भी यू है, ये भी यू था, ये भी यू है, लेकिन यहाँ आवाज़ किसकी आएगी, अ की, अम्ब्रेला। आप भी पढ़ते ही होंगे यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला, दोनों लिखा हुआ एक जैसा है यू, लेकिन पढ़ना आवाज़ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो यहाँ यू की आवाज़ आ रही है। अब अगर आप इंग्लिश पे जाएंगे कि ये यू यहाँ आ रहा है, स्वर है, तो बच्चे क्या करेंगे, दोनों में एन लगा के आ जाएंगे, जबकि गलत हो जाएगा। यहाँ तो ठीक हो जाएगा लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ इंग्लिश में हिंदी का प्रयोग करके सीखना है। सबसे पहले देखिए यह कहाँ आता है, इंग्लिश में तो आता है यहाँ, लेकिन इसको भूल जाइए।
इंग्लिश की जगह हिंदी में देखें कि य कहाँ आता है, क से ज्ञ के बीच में आता है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, ए, लेकिन अब पढ़ेंगे कैसे, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी ना पढ़ें आप। अब यहाँ अ की आवाज़ निकल रही हो, अ तो अ से ह के बीच में ही आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एन, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट देखिए, ये लिख रखा है मैंने मंकी, म का साउंड निकल रहा है। आप भी ऐसे ही करें, ये मैं लिख रही हूँ ना पहला पहला शब्द जो लिख रही हूँ, आप भी जब आपकी प्रैक्टिस शुरुआत में होती है तो आप क्या करें, जहाँ भी आप कोई वर्ड दिया जाए वहाँ पेंसिल से या पेन से एक पहला वाला शब्द लिख लें। म की आवाज़ निकल रही है, इसमें जो आवाज़ है वो म की नहीं निकलेगी, लिख रखा है एम, यहाँ भी एम है लेकिन आवाज़ निकलेगी ए की, एम बी ए, ए पहला वाला शब्द ही चाहिए हमें, एम बी ए। म बी ए तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एम बी ए। तो यहाँ मंकी म, अब देखें क से ज्ञ के बीच में आता है म, तो हम क्या लगा सकते हैं, ए, अ मंकी, ठीक है। लेकिन ए कहाँ आता है, क से ज्ञ के बीच में तो बिल्कुल नहीं आता है, अ से अह के बीच में आता है, तो हम क्या लगाएंगे, एन मंकी। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं और 90% बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको तो बस इतना मालूम है, ये वाला तो पता होता ही नहीं है। अगला देखिए, ये एच, ये भी एच है, ये भी एच है, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें कब कौन सा वर्ड किस टाइप से बोला जाता है आपको पता रखना पड़ेगा, समझ में ही नहीं आता है। तो देखिए, इसको हम पढ़ते हैं हॉर्स, हो, ह का साउंड निकल रहा है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो हावर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा इसको आपको, एच साइलेंट होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा आवर, आवर, थोड़ा पढ़ना भी आपको आना चाहिए इसके लिए, तभी आपको ये करने में आएंगे। तो ये साउंड निकाल रहा है आ का, ये साउंड निकाल रहा है ह का, ह आता है क से ज्ञ के बीच में, तो आप क्या लगाएंगे, ए, अ हॉर्स, ठीक है। और यहाँ देखिए एच ओ यू आर है, एच है लेकिन साउंड कई का निकाल रहे हैं, आ का, आ कहाँ आता है, अ से अह के बीच में, तो हम क्या लगाएंगे, एन। ये प्रैक्टिस होती है तब जाकर आपको अच्छे से आर्टिकल समझ में आता है, और चाहे दुनिया का कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम हो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो इस तरह आप इनको समझें। इस तरह आज जो मैंने आपको बताया है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में, इसकी आप प्रैक्टिस करें। मैं आपके लिए ऐसे कुछ वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनका मैं आपको अभी जो डिस्क्रिप्शन है या फिर कमेंट बॉक्स है उसमें मैं आपको लिख दूंगी। आप सभी कमेंट बॉक्स में एक के बाद एक सारी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो करके बताएं, कोई मिस्टेक होगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।